इमरान के नए पाकिस्तान में हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया जा रहा है और वहां की हुकूमत घोड़े बेचकर सो रही है। पाकिस्तान में एक और हिंदू किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के पंजाब में एक दबंग शख्स ने एक हिंदू किशोरी का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पाक के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है कि 17 वर्षीय लड़की की सुरक्षित रिहाई हो। उसके साथ साथ पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे जबरन धर्मांतरण के मामले के खिलाफ नारे भी लगाए। दरअसल ये घटना पिछले महीने की है। हिंदू समुदाय के लोगों ने अपहरण के बाद लगातार दूसरे दिन सड़कों पर उतरे और नैना के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान लड़की के पिता रघुराम ने धमकी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो खुद को आग लगा लेंगे। रहीम यार खान जिले में हिंदुओं के 1.5 लाख घर हैं। अपहरण करने वाले का नाम ताहिर तामरी है। वो उस लड़की को कराची ले गया और उसके साथ वहां निकाह रचाया और फिर ताहिर ने लड़की को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। FIR के मुताबिक ताहिर तामरी नाम के शख्स ने अपने पिता और भाई की मदद से पिछले महीने नैना का अपहरण कर लिया। अपहरण करने वाले लड़की को कराची ले गए और उससे शादी करके उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। याद दिला दें कि पाकिस्तान में ये पहली घटना नहीं है जब किसी हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो। पिछले महीने 3 हिंदू किशोरियों के अपहरण का मामला सामने आया था। तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से साफ है कि इमरान खान की सरकार अल्पसंख्यकों का सम्मान करना तो दूर, पाक सरकार को इसकी फिक्र भी नहीं है। भारत को अल्पसंख्यक समुदाय पर हिदायत देने वाले पाकिस्तान का क्रूर चेहरा बेनकाब हो गया है। अब यहाँ इमरान खान को कान खोलकर ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर उनकी सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर रोक नहीं लगाई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।